मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी, स्वभाव से हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन टाइम, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता था अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी धमक लेकर के पहुंच रहे हैं। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए। तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है, और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे, टैलेंट यहां है। सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो अब प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं, और हम उसको का साथियों, एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे। आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े। और 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया, वो विश्व में तेज गति से 5G पहुंचाने में हम आगे रहे। और देश साथियों, मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं है, 5G पर रुक जाना हमें मंजूर नहीं है, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गई थी, डिफेंस बजट कितना ही क्यों न हो, लेकिन कभी को सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है। डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था। अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर बने, और मैं हमारी डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है, उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है, और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज PLI स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है, FDI रिफॉर्म्स, उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। MSMEs को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है, और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर ये सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं, और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट, उस पर भी हमने बल दिया है। और स्किल डेवलपमेंट में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं, हमने जन भागीदारी को जोड़ा है, ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके। और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी। आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं, वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं,
विश्व भर के निवेशक है, वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए, राज्य राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, निवेशकों के लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं।